नमस्कार दोस्तों, 2022 के IPL कई मायनों में बाकी IPL से अलग है। इस साल BCCI ने DRS, सुपर ओवर, मैच फॉर्मेट और प्लेइंग 11 के लिए के नए नियम बनाए हैं। आज हम यही नए नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस साल IPL का फॉर्मेट लगातार चले आ रहे फॉर्मेट से अलग है। जैसे कि आपको पता है, इस साल IPL में 10 टीमें हिस्सा लेंगे। 2021 और उसके पहले IPL 8 टीमों के बीच खेली जाती थी, जिसमें हर एक टीम 7 होम और 7 अवे मैच मिला के टोटल 14 मैच खेलती थी, और सारे टीमों के मैच और प्लेऑफ फाइनल को मिला के पूरे टूर्नामेंट में टोटल 60 मैच खेली जाती थी, और हर एक टीम बाकी हर एक टीम के साथ 2 मैच करके खेलती थी। इस साल भी हर एक टीम 14 मैच खेलेगी, मगर कोई भी एक टीम बाकी सभी टीमों के साथ 2 मैच नहीं खेलेगी। इस बार IPL में टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। हर एक ग्रुप में 5 टीम है। इस साल IPL में मैच के फॉर्मेट कुछ ऐसे हैं, कोई भी एक ग्रुप के एक टीम अपने ग्रुप के सभी टीमों के साथ 2 मैच खेलेगी और अन्य ग्रुप के सभी टीमों के साथ 1 मैच खेलेगी। BCCI का कहना है कि अगर सभी टीमों को एक दूसरे के साथ 2 मैच करके खिलाया जाता है तो टूर्नामेंट में टोटल 94 मैच खिलाना पड़ेगा, जिसके लिए IPL और ज़्यादा दिन तक चलेगा। मगर BCCI के पास अभी IPL ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए डेट्स नहीं है, समय नहीं है। इसीलिए 2011 के फॉर्मेट के मॉडल की तरह इस साल भी ऐसे ही खेला जाएगा। कोरोना अभी भी हमको छोड़ के नहीं गया। BCCI के ये रूल कोरोना को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर कोरोना की वजह से कोई भी टीम अपना प्लेइंग 11 नहीं बना पाता है तो BCCI उस पर्टिकुलर मैच को रीशेड्यूल करेगा। रीशेड्यूल करने के बाद भी अगर वो मैच नहीं हो पाता है तो इसका डिसीजन IPL टेक्निकल टीम के पास जाएगा, और IPL टेक्निकल टीम इस विषय में जो भी डिसीजन लेगा वही फाइनल डिसीजन होगा। पिछले कई वर्षों में IPL में अंपायरिंग का स्तर बहुत ख़राब रहा है, इसलिए समय समय पर अंपायरिंग को लेकर टीमों की तरफ से BCCI को बहुत सारा कंप्लेन मिलता रहता था। इसलिए BCCI ने इस बार डिसीजन चेंज किया। इस बार BCCI ने DRS बढ़ा दिया। पहले जैसे हर इनिंग्स में एक DRS मिलता था, मतलब टोटल मैच के 2 DRS, अभी वो बढ़ा के 4 कर दिए गए, मतलब एक इनिंग्स के लिए 2-2 DRS मिलेगी। इस साल सुपर ओवर के लिए भी नियम नए हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई मैच टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा, अगर सुपर ओवर भी टाई होता है फिर सुपर ओवर खेला जाएगा, मतलब जब तक कि कोई टीम जीत नहीं जाता है तब तक सुपर ओवर खेली जाती थी। मगर इस साल के नियम के मुताबिक अगर कोई मैच टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा, अगर सुपर ओवर भी टाई होता है तो पॉइंट्स टेबल के हिसाब से विनर तय किया जाएगा। ऐसे ही IPL की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।